الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم। मेरे मुस्लिम नौजवानों, कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में फ़रमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना मुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। इत्तका इत्तकी, डरना बचना अल्लाह से। चाहे जिस अल्लाह ताला ने किसी को करने का गुआ से डर कर भी अल्लाह से मोहब्बत के बिना पर भी करना है, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ से गुनाह से रोका, वहाँ पर भी हमको देखा जाता है कि वहाँ उसके खौफ और डर से वहाँ रुका जाए। ये रहा वहाँ का प्रहुलिया आपको बतला, या अय्युहल्लज़ीना मुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। क़ूलू भी अम्र का सेगा देख रही यहाँ पर, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, आप लोग नर्म बात कीजिए। जब क़ुल इबादी यक़ूलू लती हसन, मेरे बंदों से अच्छी बात करने का कहा हुक्म दिया है, भली बात कहे, नरम से गुफ्तगू करना चाहिए। एक गुफ्तगू का अंदाज़ बतलाया हमको, किस तरह लोगों से गुफ्तगू बातचीत हमें करना चाहिए। एक क्वालिटी बतलाया है कि लोगों से बात, एक ताल्लुकात जो हम करते हैं, तो बातचीत के ऊपर डिफरेंट करता है आप लोगों से किस तरह मामला, बोल चाल, लेन देन, समाज में रहना, कहीं बोलना, किसी और चाहे गैर मुस्लिम मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम शेख ईसाई, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखो, किसी मजहब से बिलोंग करता हो, तो आप सबसे किस इंसान की बात से वो कन्फ्रेस हो जाता है, इम्प्रेस करता हो, खुद बखुद उसको खींचने लगता है। जैसे आप के गर्लफ्रेंड से आप फ़ोन करते हैं, वह किस तरह एकदम आपको कैच करता, आवाज़ को, दिल को कैच करता है। इससे एक इंसान की बात एक कशिश होती है, आप प्यारे अंदाज से, मोहब्बत भराने अंदाज के अंदर का आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं, तो उस वक्त आपको जो है बड़ा ही प्यारा एकदम अंदाज से लोग आपके तो खुद हावी हो जाएंगे, खुद आपकी तरफ माइल होने लगेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि गुफ्तगू नरमी से बड़े अच्छे प्यारे अंदाज में करना चाहिए, ताकि सलीस तरीके से लोग हमारी बात को सुने, खुद बखुद आपकी तरफ माइल होने लगे। वहाँ पर क्या कहा, नरमी से बात करने का अल्लाह ताला ने यहाँ पर, तो क्या फ़ायदा, युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल को ठीक करेंगे, अच्छा कर, दुरुस्त कर देंगे वह तुम्हारे आमाल को, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह को बख्श देंगे। तो कितनी बड़ी फजीलत है, लेकिन इस पर हम ध्यान नहीं दे, अल्लाह तबारक व तआला हमें यह हुक्म दे रहा और हम बाहर निकलते हैं, हमारी जबान से गाली गलौच एक दूसरे की माँ बहन करते हैं, कई बात मिल गया, थोड़ा सा मौका मिल जाता है तो उस वक्त हम लोगों को गाली गलौच से नवाजते हैं, लोगों से बड़े गुस्सा से पेश आते हैं, लोगों को आँखें दिखाकर पेश आते हैं, अलग अलग रवैया इख्तियार करते हैं जो लोगों को पसंदीदा नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका देख लीजिए, आपका चलना कैसा, आपका बोलना कैसा, आप किस तरह लोगों से मेलजुल करते थे, लोगों से किस तरह गुफ्तगू करते थे। इस बात को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि लोगों से हमें किस तरह बोल चाल करना चाहिए, लोगों से ताल्लुक, नबी पाक क्या तरीका रहा है। आप लोगों से एकदम नरम आवाज़ में गुफ्तगू करते थे, बाबा जैसी बुलंद नहीं, उसकी आवाज़ से मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए, से डर के मारे कांप जाए, ऐसा नहीं, मीडियम तरीके से। हमें वक्त सिद्फी मश वक्जो मिन सोतिक, कुरान हमें हुक्म दे रहा, तो इसको मानना चाहिए। कुरान हमें क्या कह रहा, तो कुरान में तमाम चीज़ हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका लिखा गया है, हम इसको बेहतर तरीका है कि उसका मुताला करें, हम लोगों से सीखें, उलमा से राबता करें, कि बहुत ज़रूरी, बगैर सीखे आप चाहे हम कि बात अच्छे तरीके से बोल लेंगे, अच्छे तरीके से लोगों का माइल कर लेंगे, शरीयत के तरफ बुला लेंगे, दीन के दाने पे पाक अलैहि सल्लम कैसे दी है, तो
वो भी आपको सीखना पड़ेगा। जमात में हम जा रहे तो वहाँ भी आपको बोलने का क्वालिटी वहाँ के एतबार से आना चाहिए। आप कहीं भाषण दे रहे वहाँ के एतबार से आपको बात आनी चाहिए। आप कहीं किसी के सामने बोल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वहाँ के वहाँ एतबार से आपको गुफ्तगू का एक लबोलहज अंदाज होना चाहिए आपको। उसके बगैर नहीं कर सकते हम, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमने नहीं किया तो लोगों के सामने रुस्वा जलील का कुछ नहीं होगा, हमारा वैल्यू नहीं होगा लोगों। हमारे चाहे बहुत सारे मालदार हैं, धन दौलत हमारे पास, लेकिन हमें बोलने के क्वालिटी सिफात नहीं है तो मार खा जाएंगे वहाँ पर। हमारा क्वालिटी वहाँ पर नहीं होगा लोगों के सामने। इसलिए जहाँ तक हत्तल इम्कान कोशिश करना चाहिए हम सबों को कि अल्लाह तबारक व तआला जो सलाहियतें दी हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान व हदीस को सीखेंगे, सही माने में लोगों को मार्ग दिशा दिखलाएंगे। कुरान हदीस को अंग्रेज़ी अल्फाज में सीखना चाहे अला है इसका, क्योंकि सीख सकते आप किसी भी लैंग्वेज को, भाषा को बोलने के। बहुत से लोग अलग अलग तेलुगु बोलते हैं यहाँ पर बोंगेर के अंदर, तो तेलुगु लोग आप सीख के वहाँ लोगों को सही बात का दिशा दिखला, सही बात बतला सकते, रहनुमाई कर सकते दीन का। बहुत से लोगों को आप बोलेंगे अगर उर्दू भाषा में तो चल नहीं समझ पाते, छोटी बच्ची बिल्कुल नहीं बोलती यहाँ पर। इसलिए हमें ज़रूरी है सीखना चाहे तो सीखें। अगर आपके ऐसे हिम्मत हो, ऐसे माइंड को आपको बनाने रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी माइंड तेज़ हो, तो एक भाषा को आप सीखें, उसके ऊपर ध्यान दें। बात की भी क्वालिटी आएगा, बहुत सिफात भी आएगा अंदर। जितना आपके अंदर सिफत लोग उतना आपको ज़्यादा लोग वैल्यू देगा। इसे अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबों को सही माने में वक्त की पाबंदी, सही माने में अल्लाह ताला का हुक्म पर अमल करने की तौफीक।